पहले मैं आपके मीडिया का धन्यवाद करता हूं। आज हमने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मोदी जी का संदेश जम्मू कश्मीर के लिए वहां से आया, उसमें आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का एक मैनिफेस्टो लेकर के इलेक्शन में उतरी है। उसमें आप देख सकते हैं जो हमारे डेली वेजर भाई हैं उनको पक्का करने को लेकर के, स्पेशल रिक्रूटमेंट जो है नौकरियां उनको लेकर के, जम्मू से लेकर पुंछ में ट्रेन और मेडिकल कॉलेज, महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं के आरक्षण की बात, ओल्ड एज पेंशन 1000 है 3000 वो हमारी सरकार मोदी सरकार ने जो है देने का वादा किया है, और भी गोल्डन कार्ड जो है हर एक व्यक्ति की जेब में 5 लाख का जो बीमा होता था मेडिकल इंश्योरेंस, आज उसको बढ़ा करके 7 लाख किया गया है। ये सारी डेवलपमेंट को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है इस डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के जो है इलेक्शन में उतरी है। आप देख सकते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, मैं खसूसन तौर पर पुंछ की बात करूं, हमारे चौधरी अब्दुल गनी जी जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, सुरनकोट से हमारे मुश्ताक बखारी साहब कैंडिडेट हैं, और मेंढ से मुर्तजा खान साहब एडवोकेट जो है हमारे कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मोदी जी की जितनी भी योजनाएं 2014 से लेकर अब तक जो लोगों में इम्प्लीमेंट हुई हैं, उसके वजह से लोगों ने एक मन बनाया है कि हम किसी भी पार्टी को साथ नहीं रखेंगे, किसी भी पार्टी के साथ हम बिल्कुल कोई एक भी वोट जो है लोगों ने कहा है कि हम वोट जाया नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा भला कर सकती है, ये लोगों की आवाज है, अगर हमारा भला कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देख सकते हैं फुल बहुमत में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनने जा रही है, और तीनों की तीनों सीटें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, आप देख सकते हैं सुबह से शाम तक हमारे ऑफिस में, कैंडिडेट के घर में, हर एक मंडल में, हर एक शक्ति केंद्र में, हर एक बूथ पर, बूथ तक हमारा जो कार्यकर्ता जो है 24/7 जो है लोगों के बीच में जाकर के काम कर रहा है। मैं पुरजोर अपील करता हूं जनता से कि हम सब लोग मिलजुल करके पुंछ की तरक्की और तामीर के लिए जो है काम करें। इसी के साथ मैं अपनी लास्ट को यही मैसेज देना चाहता हूं कि सेंटर में हमारे मोदी साहब की सरकार है और स्टेट में भी हमारी सरकार बने, ताकि ये डबल इंजन सरकार बने, जो हमारे अधूरे थोड़े से काम रहे हैं वो जनता जनार्दन के पूरे डेवलपमेंट के काम, आम गरीब आदमी को, बेसहारा को, जो कि कोई भी पूछने वाला नहीं था, आज देश के प्रधानमंत्री जी मोदी साहब सरकार में बैठे हैं, तो आज आप देख सकते हैं शांति बहाली और सब लोग बिल्कुल बिन लिहाज मज़मू मिलत एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुजर, क्या पहाड़ी, इस वक्त सब लोग मिलजुल करके देश के प्रधानमंत्री जी की झोली में तीनों की तीनों सीटें जो है डालना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ पुंछ के 89 हवेली कंस्टिट्यूएंसी के चौधरी अब्दुल गनी साहब, आज ही जितने भी लोगों से हम मिलने के लिए जा रहे हैं, डोर टू डोर हमारी कंपेन, हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, डोर टू डोर जो है कंपेन हमारी चल रही है, जनता का यही हमें आशीर्वाद मिल रहा है। जहां भी हम जा रहे हैं हम मोदी साहब का पैगाम जो है हर एक दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं, आगे से लोगों का यह आशीर्वाद मिल रहा है, मोदी साहब जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।